क्या है, कहना क्या चाहती हो रिया? बोल दो डायरेक्ट। नॉर्मल है यार, देखो मैं क्लियर कर, ना है आपकी रिया कुल मिला के ना है। आई लाइक यू एज अ पर्सन। ओ रे क्या हो गया? अबे पागल हो गया क्या तू? तू अरे हट। अरे नहीं, अरे हट जा मित्र, हट तू, छोड़। नहीं हट जा उसको। अबे यहां इसको भले सोयान ने उसको घर पे उतार देंगे इसको बंद कर बिल्कुल भैया। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और टाइम हो रहा है दोपहर के 12। और क्या आपको पता है कि अभी मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ? पहले देख लो किसके साथ हूँ। मिश्रा। तो अभी गाइस हम लोग हैं बहुत मतलब बहुत वीआईपी जगह है, बहुत वीवीआईपी जगह है। यह है सीएम हाउस जहाँ हमारे एमपी के सीएम साहब रहते हैं। वीडियो नहीं आ रहा सर? ठीक है सर, ओके भाई, वीडियो बना कर दिए, बाय। आराम से जाना, ठीक है? ओए तो गाइस चलो चलते हैं, अपने पास कार है मिश्रा की। ये क्या है भाई, ये दबाव ऐसे ही खुल जाती है, सीरियस एंट्री है इसमें। ओके भाई साहब कितनी ऊंची लग रही है। तो भाई ये सीरियस एंट्री है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, इसको बस यहाँ रख दो और ये पुश बटन को दबाओ, क्लच दबा के। ये देखो भाई, एक ये गाड़ी चालू हुई ऑटोमेटिक। ए सी चालू कर भाई। तो गाइस हम लोग गए थे सीएम हाउस के, मतलब सीएम हाउस में सीएम साहब के जो बैठे हैं, जिनका नाम क्या है, कार्तिकेय सिंह चौहान, गूगल कर लेना पता पड़ जाएगा। तो उनसे मिश्रा के जो भाई लोग हैं विदिशा के, वो लोग की मीटिंग थी, क्योंकि ये लोग बीजेपी के युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष वगैरह हैं। तो मिश्रा भाई तू भी मिल लेना सीमाने। तो हम लोग भाई अपना नंबर दे के आए हैं, उनके पीए साहब को नंबर लेके भी आए हैं। हमने उनको बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल है और वो काफी इंप्रेस भी हुए हैं। और तो गाइस अब हम लोग भाई निकल रहे हैं, अब थोड़ा घूमेंगे फिर मिश्रा यहाँ पे 8 बजे रुकेगा। बाकी गाइस आज अपने को भाई साहब रिया का जवाब मिलना है, क्योंकि काफी दिन हो गए, 5 दिन हो गए। मेरे लाइफ में गाइस ऐसी ट्रेजेडी आ गई थी कुछ दिन पहले, अभी चली रही है, बट फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो देनी तो है, कैसे भी भाई गर्लफ्रेंड तो बनानी है ना हमें भी। तो इसलिए भाई अपन चलते हैं फटाफट रिया के पास। मिश्रा को पहले गाड़ी खड़ी करवाते हैं अपनी परी, वो कार में लेके चलते हैं, मिश्रा से बात करते हैं, लेट्स गो। गाइस अब भाई साहब आ चुके हैं, हम लोग ने परी खड़ी कर दी है। हाँ मिश्रा भाई, अब तुझे पता होगा कि मैंने आज से कुछ दिन पहले लड़की को प्रपोज किया था। वीडियो देखता ही है, देखता हूँ। देखिए अब तू ये बता कि आज वो मुझे है, वो भी जानता हूँ सिंधी नहीं है। ओए फोन बंद कर, ओए चल रही है। तू अब मुझे ये बता कि वो मैंने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करी है रिजेक्ट, तुझे क्या लगता है? भाई इतना बड़ा यूट्यूबर है, एक्सेप्ट उसको करना चाहिए, करेगी और वो एक्सेप्ट। भाई नहीं करेगी तो फिर मैं हूँ तो देख लूंगा। तो गाइस ठीक है, फिर अपन चलते हैं रिया के पास, उसको पिक करते हैं, उसका फोन आ रहा है कब से। सीएम हाउस भी गाइस देन लेट्स सी क्या होता है। और मुझे काफी डर लग रहा है, मिश्रा साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, मनोरल बना हुआ है हमारा। मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। So guys, finally queen is here. हाँ जी, मतलब आज रिया बहुत खुश है और मेरे को लगता है इसके खुश होने का रीजन है, अब इसने पता पड़ेगा बाद में। तो रिया ये मिश्रा तुम जानती हो वीडियोस के थ्रू, और ये भाऊ मतलब उसको बोलते सिंधी है, तो जैसे कोई सिंधी होता है हमारा तो उसको हम भाऊ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज। अबे गर्लफ्रेंड तो बन जाते, धोखा क्या? अभी उसने हाँ किया नहीं है। तो रिया आगे चलते हैं, उधर ये अपने राजस्थान रोड तरफ, हाईवे तरफ, वहीं कहीं बातचीत करते हैं गाने सुनते हुए, फिर वहीं आप रीजन तो आपका एकदम जो भी रहेगा बताना भाई साहब। yes. ऐसे करते ना भाई, वो तो मैं वैसे काम कर, वहाँ पे मंदिर है पीछे भाई, खुश हो खुश। अबे शादी थोड़ी करनी है बेवकूफ मंदिर में, तो दादा प्रेयर कर ले भाई। तू भाई थोड़ा प्लीज चुप रहे यार, मेरे को डर लग रहा है वो क्या बोलेगी। इतनी अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की हाथ से निकल जाएगी तुम्हारे चक्कर में, हरामी हो तुम लोग, उतर जाओ, मैं अकेले जा रहा हूँ, जाओ। इनको लेके चलना है रिया? नहीं लेके चलो ना, चलते हैं। चलो चलो ठीक है, लेट्स गो गाइस। तो फिर भाई साहब बताइए रिया जी, क्या बताऊं मैं? 4 दिन आपको दिए मैंने प्रपोज, हालांकि मैं ही लेट हो गया, आप तो मुझे कब से बुला रही थी, बट सॉरी क्योंकि मेरी लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है, तो वो बताऊंगा नहीं मैं। गाइस को भी नहीं बताया तो आप भी मत जानो, क्योंकि वो पर्सनल थिंग्स है। तो फिर बाकी अब आप बताओ
मतलब इस ट्रेजेडी के अंदर ना मेरे को ना एक मतलब उम्मीद थी कि ठीक है जो भी चीजें बुरी हो रही है होने दो, लाइफ में भाई लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट एक चीज अच्छी हो सकती है कि न्यू गर्लफ्रेंड बन जाएगी और वो तुम। तो अब आपका डिसीजन बता दो, प्रपोज मैं आपको पहले कर चुका हूँ, जो भी है भाई साहब बोल दो फटाफट, मिश्रा नहीं है, शर्माने की बात नहीं, जो भी है मुंह पे आपको आपका जहाँ है ना है, आई गेस आपका हाँ ही है जहां तक मुझे लगता है, उम्मीद है okay. और हाँ ही होना चाहिए वैसे तो, नहीं तो ये जंगल है और जंगल में फिर आपको यहाँ छोड़ दिया जाएगा, पानियों फेंक दिया जाएगा। ये धमकी मत दो पहले, ठीक है, प्यार दिखा रहे हो तुम इसे धक्के मार के, मतलब जस्ट किडिंग, ताकि तुम्हारा मुंह से डर के मारे हाथ निकल जाए, बाद में तो हम तुम्हें बना ही लेंगे कहते ना कहते करके। तो बताइए यार, मैंने ना बहुत सोचा, ठीक है, जब मैं घर गई तो मुझे अब एक बहुत ही ना एकदम वो इतने दिन बाद, जैसे मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ तो अटेंशन मिली, ऑफकोर्स किसको नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, मतलब मैंने तुम्हें अटेंशन दिया, हाँ तुमने, ऑफकोर्स बॉयज अटेंशन किसको नहीं पसंद। तो घर गई मैं, तो ऐसा है कि मैं ऐसा कोई टाइम पास वगैरह नहीं करना चाहती हूँ किसी के साथ भी, तुम्हारे सेम यार, हमको भी नहीं करना, नहीं करना भाई टाइम पर, टाइम वाला सिस्टम खराब है। सोच रही हूं, अगर मैं डिट्टो शादी करनी है क्या, अभी रचा लेते हैं, क्या है भाई, क्या दिक्कत क्या है, नहीं अभी कर लेते हैं ना, जल्दी है शादी, हाँ, बट लेकिन मैं लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग एज अ लॉन्ग टर्म तुम्हारा डिसीजन है कि मतलब भाई अगर बॉयफ्रेंड बनाओ तो परमानेंट। वाह यार, क्या बात, गुड थिंकिंग ब्रो, मैंने बहुत रिस्पेक्ट में सोचा, मतलब ब्री ब्री आगे बोलो ब्रो का भाई फीमेल तो ब्री होगा ना, ओके हाँ ब्री होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ऐसी चीजें मतलब इस एस्पेक्ट पे सोचा, तो ऐसा है कि जब मैं लॉन्ग टर्म सोच रही हूँ तो मुझे एक फैमिली का भी थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि फैमिली होगी ना हमारे, वो एक बेबी होगा, मिश्रा फैमिली नहीं होती, बेबी फैमिली नहीं होता, अच्छा अच्छा, ये आने वाली फैमिली है भाई, तो लड़की ने फ्यूचर का सोच लिया, शादी बच्चे सब सोच लिए इसने, ऑफकोर्स हर एक लड़की का सपना होता है, जैसे मेकअप उसका गहना होता है ना, हाँ। वैसे इसका सपना होता है ना इन फ्यूचर, और हम लौंडों का कोई मेकअप गहना नहीं होता, जैसे हो वैसे ही निकल जाओ, शादी पार्टी उन सब एक ही बात है। तुम तो वैसे हैंडसम है, तुम्हें जरूरत नहीं है मैंने मतलब वैसे तो मैंने अपने घर पे बात करी हमारे बारे में, मम्मी से वीडियोस तो मम्मा ने देखी होंगी तुम्हारी, ऑफकोर्स, क्योंकि अगर यूट्यूब से तुम्हारा करियर ऐसे कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो मैंने मम्मी को बताया, लोग इनको ये भी पता है मैं कौन सा कच्छा पहना हूँ, बता देना कमेंट करके, ठीक है ऑप्शन दे दूं कि अल्लाह कैल्विन क्लीन या जॉकी, बता देना पिंक व्हाइट या येलो पिंक पिंक क्यों पहनूंगा, तुम भी पागल हो यार, बुद्धू कहेंगी, गंदी बात करती है, अरे सुन लो यार तुम ना, तुम बात ही कैसी कर रही हो, पिंक व्हाइट या ब्लू, ये यार लॉर्ड है हम लोग, लड़कियां पहनती है वो, ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। तो ऑफकोर्स यार मैं घर पे बात करूंगी ना, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म सोच रही हूँ, मैं किसी को चलाने वनाने का ऐसा कुछ नहीं सोच, हाँ है ना, अब अच्छा तुम बता रही हो, बोलो बोलो जल्दबाजी, सुनोगे तुम्हारी यही प्रॉब्लम, सुनते नहीं हो, अब तुम्हारी ही सुननी है, अब तो तुम्हारी ही सुननी है भाई, लाइफ स्टाइल मेरी सुननी है, तो अभी से स्टार्ट करते ना, ओके ग्रेट डन, सुनो मेरी बात, डन डन सुनो। तो मैंने मम्मी से बात करी, टू वेरी ऑनेस्ट, मैंने मम्मी से बात करी, वीडियो वगैरह हम लोगों ने देखा मम्मी ने, तो लॉन्ग टर्म सोचना है मुझे, कोई टाइम पास वगैरह नहीं करना है, अब कोई दूसरी नॉर्मल सी बात है। तो मैंने घर पे बात करा मम्मी से कि मम्मी की ये है ऐसी चीजें, क्योंकि टाइम पास करने का ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है, जो भी चीजें परमानेंट हो, परमानेंट हो, बात बात करी मैंने मम्मी से, और ऊपर से भाई से तो तुम मिल भी चुके हो ऑलरेडी, तो भाई से भी मैंने बताया, ये अच्छा है कि उसके भाई छोटा है, बड़ा हो तो दिक्कत देता, वही पता है यार तुम्हें यार हर लव स्टोरी में लड़का हीरो होता है, लड़की हीरोइन, उसके भाई और पापा हमेशा विलन ही होते हैं, लेकिन मेरा भाई विलन नहीं है, वो विलन नहीं है, वो अपना भाई बंधु है, ओके आगे बात बात करी मैंने पापा को, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं, ओके हो रही, चार मिनट की हो गई, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, ओके हां जी रिया जी, बात बात करी मैंने भाई को भी, सब चीजें समझ सॉर्टेड है, ठीक है अपने घर से, मम्मी की तरफ से भी सब सॉर्टेड है, अब बात आती पापा की, पापा से बात बात करने से पहले ऐसे कि फुल्ली डिसीजन मैं ले लूं इसके बाद वो चीजें, तो जो कंक्लूजन जो निकला है मेरे घर वालों की तरफ से, तो मम्मी वो है कि इसके साथ शादी कर लेना, यस है ना, ओके भैया मेरी सुननी है ना तुम्हें, बिल्कुल बिल्कुल आप ही की सुननी है भाई, लाइफ टाइम तो मेरी सुननी है ना, तो सुनो ग्रेट, नॉर्मली बात बात करी मैंने घर पे कि क्या है ऐसे करके, तो मम्मी को ऐसा है कि उनको यूट्यूब का फ्यूचर नहीं पता, यू नो कि मुझे भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, यूट्यूब आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, फिर हम क्या करेंगे, हवा खाएंगे, बहुत अच्छे भाई, जरूरी नहीं है यूट्यूब प्लेटफॉर्म जाएगा दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा, वो अलग चीज है, आगे बोलो आप क्या क्या कहने का चाहती हो, यूट्यूब को आपके बीच में लेके आएगी, अरे तो करियर के बेसिस पे भी तो चीजें होंगी ना, हम हवा थोड़ा ना खाएंगे, ये देखो बातें जो है ना सुमित,
ये सब सिर्फ सुनने में और मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी लगती है कि यूट्यूब कल हम ये कर लेंगे. हर एक चीज को ना स्टेबिलिटी चाहिए रहती है. एमबीए कर रहा हूँ ना मैं, जॉब कर लूंगा और बोलो अभी यूट्यूब नहीं चला दूं. ठीक है खुश. देखो कंक्लूजन ये निकला घर पे, मैंने बात बात करी मम्मी से, तो मम्मी जो है ना, तो मम्मी मेरे को एक चीज बोली जहाँ पे मुझे भी ये चीज लगी, क्योंकि मैं भी लॉन्ग टर्म का सोच रही हूँ, मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं बैठी. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. और वो करना भी नहीं चाहिए. एग्जैक्टली exactly, तो तुम ही कल मुझसे बोलोगे कि यार उस टाइम तो सब चीजें सब अच्छी लग रही थी, और इसके बाद यही चीज बोलोगे कि उस टाइम तो बहुत वादे वादे कर लिए थे, अब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म का क्या चीज है. तो घर पे मैंने बात बात करी तो मम्मी मुझे यही चीज बोली कि बेटा जो जॉब एस्पिरेंट जो चीजें होती है, स्टेबिलिटी होती है उसमें, एक रेगुलर इनकम होती है, वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं मेरे घर वाले. तो वही चीजें हैं कि ये सब चीजें देख करके ना, तो मैंने भी जब चीजें ना पीछे जाकर के सोची. रिया एक मिनट, कहना क्या चाहती हो? मैं कहना यही चाहती हूँ कि यार वही है, लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगी चीजें, एज आई फील, एज माई फैमिली फील्स. तो यही चीजें हैं कि दो मिनट, योर मम्मी थिंक्स कि बच्चे का यूट्यूब है, कल को यूट्यूब नहीं चला तो क्या? हाँ यूट्यूब में पे मैं कब से हूँ? 2 साल से. इसके पहले भी मैं जी रहा था ना. जी तो रहे थे, कमा रहा था ना, भले स्विगी में कमा रहा था. ठीक है तो कुल क्या मतलब क्या है, कहना क्या चाहती हो रिया? बोल दो डायरेक्ट. नॉर्मल है यार, देखो मैं क्लियर कट करती हूँ अब चीजें. हाँ है या ना है रिया? That's नहीं it. हो पाएगा. मैंने हर एस्पेक्ट में सोचा, ऐसे हवाबाजी नहीं चल रही है, लाइफ है यार ये, मजे मजे में सिर्फ 4 दिन की चांदनी. तो मुझे पसंद करती हो? पर्सन बट लॉन्ग टर्म में चीजें नहीं हो पाएंगी यार. अगर मैं होता यूपीएससी क्रैक कर लेता या मेरी गवर्नमेंट जॉब होती फिर क्या होता? वो होती तब की तब चीजें होती ना यार, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. यूट्यूब इज नॉट लाइफ ना यार. ये तुम जब गाड़ी में बैठी अच्छी से, अच्छे से मुझसे मिली, होप्स मिली मुझे कि यार जिस तरह से हमारी बात हो रही थी वो भी बहुत काफी, तुमने तभी मुझे क्यों नहीं बताया यार? मैं जब मिलकर के हमारी बातें हो रही तब मैं मिलकर के ही चीजें बोलूंगी ना. अब तुम इतने बिजी चल रहे थे 3-4 दिन में ना, तुम फोन उठा रहे हो ना हमारी एक्चुअल. भाई मेरे लाइफ में ट्रेजेडी होती है कुछ, मैं ट्रेजेडी में समझती हूँ क्या होता है. मैं बहुत, तो कल भी तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम रात में एटलीस्ट एक टेक्स्ट कर देते, तुम मुझे सही. मेरी गलती है, सॉरी मेरी गलती. अरे डोंट बी सॉरी यार, ये तुम मजाक कर रही हो, प्रैंक कर रही हो क्या? कैमरा बंद करूं क्या? कैमरे वाली कोई बात नहीं, प्रैंक कर रही हो रिया तुम मेरे को देख के. मैं प्रैंक नहीं कर रही हूँ यार, मैं नॉर्मल बता रही हूँ. नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं तुम्हें घर में भी इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी पापा को कि पापा वीडियोस देखो जाके. यार यूट्यूबर है, कमाता है, नाम है, काम है, ये कम होता है क्या? यूट्यूबर की रेपो पता है आपको? मैं समझती हूँ मेरी फैमिली, आपको पता है यूट्यूबर क्या होता है? ठीक है मानता हूँ परमानेंट नहीं है, परमानेंट तो तुम भी नहीं हो, कल को तुम कुछ हो जाए परमानेंट तो मैं भी नहीं हूँ, कल मैं मर जाऊँ ये लोग परमानेंट भी नहीं है. पागल है क्या, क्या बोल रहे हो? मर जाऊँ यार तो फैक्ट है यार, ना है आपकी रिया कुल मिला के. हाँ, ना है. आई लाइक यू एज अ पर्सन, यू हर एक चीज है, लेकिन ऐसे कि लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगी यार चीजें, ये चीज है. क्योंकि आज हम खुश हो रहे कि यार चलो आज चीज है, कल का क्या? सही है भाई सही है, गलती इसकी नहीं है. मैं बताऊं गाइस, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूँ. अगर बोलोगे तो सब्सक्राइब मेरे नहीं हो आप, ठीक है, मेरे चैनल में नहीं हो, गलती इनकी नहीं है, ये एक फैक्ट है. यूट्यूब का भरोसा नहीं, टिकटॉक था चला गया, इसलिए गाइस मैं भी अनदर ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ. पर मैं जब तक यूट्यूब पे रहता हूँ मैं ऐसा स्टेबल हो जाऊंगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे किसी के आगे जॉब करने की, मैं इतना अपना काबिल बना लूंगा यूट्यूब के थ्रू. यूट्यूब ऐसा तो नहीं कल बंद हो जाएगा, 2-3 साल भी वो तो रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा. तुम सब देखोगे, तुम्हारी मम्मा भी देखेंगी कि मैं कहां से कहां पहुंचता हूं और सारी चीज है ना, ये भी यही है, आप भी यही हो. बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी लाइफ के लिए. आप बाकी बहुत अच्छी लड़की, मतलब जितनी भी लड़कियां मुझे मिली चाहे साक्षी हो, साक्षी जी तो अलग ही बात है, बाकी रिया सबसे बेस्ट लगी मेरे को. मतलब चलो ठीक है गाइस, अब चलते हैं क्या? ठीक है गाइस चलो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में. मेरा भाई बहुत दुखी में है, बहुत दुखी में मेरा भाई. उसकी शकल बताओ क्या यार, तुमने धोखा दे दिया, बहुत गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए यार तुमको. वो इतना अच्छा, इतना सज्जन इंसान, क्या बढ़िया. आपको मना करना था आप पहले कर देते. नहीं नहीं भाई, 4 दिन लटका, मेरी बात 4 दिन लटका, उसके बाद रीजन भी क्या स्टूपिड रीजन दे रहे हो. अरे कमा नहीं रहा क्या, मैं नल्ला हूँ क्या? चल छोड़ मैं, तू जाने देगा. अरे देखो इनको तो दिखाओ यार, आप बोलो तो यार कुछ, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई को. सुन तो लो मेरी बात, तो सुनो कुछ रीजन से उसी क्या बात.
अब भाई क्या वजह ही नहीं है बात करने की। तुम जब से कुछ बोल दो कि दोस्त बन जाओ, यही बोलो कि दोस्त बन जाओ। एक काम करो, ऐसा फ्रेंड बना लो आप। मेरे लिए ये दोस्त है मेरे बहुत है, मेरे को फीमेल बेस्टी नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप रखनी भी नहीं है मुझे, बात उसकी भी नहीं है, फ्रेंडशिप वगैरह बहुत दूर की बात है, लॉन्ग टर्म का सोच रही हूँ मैं। मजाक मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो आप क्या डायरेक्ट शादी करोगी क्या बताओ? हाँ शादी की बात करो भाई, तू गाड़ी आगे ले चलो। नहीं यार भाई लोग, अरे पागल हो गया क्या तू? क्या यार कैसे प्यार मोहब्बत धोखा यार, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं तू काय के लिए भैया उठ पागल। अरे मत कर यार, अबे उसको उठा भाग। अरे भाग तू यहां से मित्र, जा यहां से। अरे तू, अरे हट। अरे नहीं, अरे हट जा मित्र, हट तू छोड़। नहीं हट जा, अबे उसको उठते नहीं बनने भाग, उठा जल्दी उठा, उसको उठा उठा, इसको पकड़ मैं उठाता हूं, पकड़ इसको ऐसी की तैसी तेरी, चल भैया बैठ जल्दी चलना है भैया, तेरे घर वालों का भी फोन आ रहा है पागल। नहीं घर वालों को बताऊंगा, लड़कियों के चक्कर में ऐसा करता है, ऐसा करना ही नहीं है भैया लड़की मड़कियों के चक्कर में। ओए मत कर भाई, देख समझा रहा हूँ तू बात को समझ, चल तेरी ऐसी की तैसी इसको लेके क्या कर रही है भाऊ, पकड़ना उसको, चल तू भैया ऐसे मत करना आज के बाद, देख इसको पीछे बैठा, पीछे भाऊ पीछे बैठा, आगे आगे पूछ सकता है, लॉक लॉक करता हूँ भाऊ इसको बंद कर बिल्कुल, घंटे हो चुका है मैं इतना परेशान हूँ कि उठ ही नहीं रहा है भाई लड़की के चक्कर में। तो भाई साहब भी समझ लो, लड़की सब धोखेबाज होती है, इसको 3 दिन से पागल बना है, देखो कैसे पड़ा है ये, देखो भाई लोग देखो, रोक के बताता हूँ, देखो कैसे बता भैया उठ भी नहीं रहा, भाव क्या कर रहा है तू भाई, मैंने सब कोशिश तो कर ली यार, पानी उठ भी नहीं रहा है, बताओ भाई लोग यार क्या बताऊं यार, चलो इसको घर पे छोड़ के आ रहा हूँ इसकी मम्मी के पास भाई।